अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे इनके कंपोनेंट के जरिए। तो जब दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो उनको ऐड करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं, और उसका नाम दिया गया है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसको ऐड करने के लिए या मेथड को समझने के लिए हमारे पास पांच स्टेप हैं। अगर आपको ये पांच स्टेप याद रहते हैं तो आप इजीली वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला स्टेप है उसमें आपने चूज करना है कि वेक्टर आपके पास कितने होने चाहिए। तो वेक्टर आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चूज किया, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने दो या दो से ज्यादा वेक्टर चूज करने हैं बाय इनको ऐड करने के लिए, दो या दो से ज्यादा वेक्टर। तो दो वेक्टर हमारे पास हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब इनके आपने इनको ऐड करना है बाय हैड टू टेयर रूल। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, एक वेक्टर आपके पास ये वाला है, दूसरा वेक्टर बी है। ए वेक्टर को बी वेक्टर में आपने ऐड करना है बाय हैड टू टेयर रूल। जब ए को बी में ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा और ये बराबर होता है ए प्लस बी के। अब ये जो रिजल्टेंट है इसके भी कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा। इसी तरह सेकंड स्टेप में हम इनके कंपोनेंट फाइंड करेंगे, यानी कि ए वेक्टर जो है इसके कंपोनेंट, बी जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट। तो ए वेक्टर के कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स एक्सिस के हैं और एक वाई एक्सिस के हैं। अब ये जो ए वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस है जिसे हम ए एक्स का नाम दे रहे हैं, और इसी तरह इसका दूसरा जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस है जिसे हमने क्या नाम दिया, ए वाई का नाम दिया। इस ए वेक्टर के इस एक्स वाई प्लेन में दो कंपोनेंट हैं, एक ए एक्स है और दूसरा ए वाई है। ये जो ए एक्स है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और इसी तरह जो ए वाई है ये वाई एक्सिस के अलोंग है। ये ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं। इसी तरह हमारे पास बी वेक्टर है, उसके भी दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक वाई एक्सिस के अलोंग है। तो बी वेक्टर का जो कंपोनेंट, इस बी वेक्टर का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है उसे हमने कहा ये बी एक्स है। इसी तरह इसका जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है उसे हमने क्या नाम दिया, बी वाई का नाम दिया, जो हमने शो किया है एस पी से। तो ये बी वाई कंपोनेंट है बी का। तो ये ए वेक्टर के और बी वेक्टर के कंपोनेंट हो गए, ये हमने सेकंड स्टेप में फाइंड करने हैं। इसी तरह थर्ड स्टेप क्या है? तो थर्ड स्टेप में हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। क्योंकि हमने ए को बी में ऐड किया है तो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आएगा, तो आर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर होगा। अब इसके भी हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। तो इसका आर वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा, इस आर वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसे हम नाम देंगे आर एक्स का। इसी तरह इस आर वेक्टर का जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसे हम नाम देंगे आर वाई का। तो जो आर एक्स है उसको हमने डिनोट किया है ओ आर से, और जो आर वाई है उसको हमने डिनोट किया है आर पी से। तो ये अलोंग वाई एक्सिस है और ये अलोंग जी एक्सिस है। तो ये इसके कंपोनेंट हैं, आर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर के ये कंपोनेंट हैं जो कि एक्स एक्सिस भी हैं और वाई एक्सिस में भी शामिल हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर जो आर वेक्टर का कंपोनेंट है वो किसके बराबर होता है, और इसी तरह वाई एक्सिस पर आर का जो कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास ओ आर है, ओ आर बराबर है आर एक्स के। ओ से आर तक की जो वैल्यू है वो आर एक्स के बराबर है, जो कि ये डिनोट कर रहा है कि ये आर का वो कंपोनेंट है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी तरह ये किसके बराबर है, ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब ओ क्यू बराबर है ए एक्स के प्लस क्यू आर बराबर है बी एक्स के। ओ क्यू वो वाली वैल्यू है जो वेक्टर ए का अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है। ये ए एक्स हमारे पास ओ क्यू के बराबर है। इसी तरह क्यू आर बराबर है बी एक्स के। क्योंकि हम बता रहे हैं आर के कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ए एक्स का होगा और दूसरा बी एक्स का होगा। इसी तरह ओ आर बराबर होगा ओ क्यू प्लस
QR, तो OQ बराबर है AX के और QR बराबर है BX के, तो OQ plus QR is equal to RX is equal to RX AX plus BX, तो ये हमारे पास X component of resultant vector के आगे, और इसी तरह अब हम find करेंगे Y component of resultant vector, तो resultant vector का Y component हम find करेंगे, तो वो किसके बराबर है, PR is equal to RS plus SP, अब PR क्या है, ये P से R तक totally क्या है, RY के बराबर है, P से R तक ये RY के बराबर है, जो क्या नोट कर रहा है, कि ये R यानी कि resultant vector का वो वाला component है, जो कि Y axis के along है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, RY का नाम देंगे, अब ये RY को हमने दो हिस्सों में divide किया हुआ है, कंपोनेंट के हवाले से दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक हिस्सा इसका क्या है ए वाई है, दूसरा हिस्सा इसका क्या है बी वाई है, अब आर से एस तक, आर से एस तक हमारे पास ए वाई है और एस से पी तक हमारे पास बी वाई है, आर से एस तक ए वाई है और एस से पी तक बी वाई है, तो यहां पर आप देख सकते हैं पी आर किसके बराबर है आर वाई के, और आर एस, आर एस क्या है ए वाई है और एस पी क्या है बी वाई है, ये किसके बराबर हो गया, पी आर इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी इज इक्वल टू आर वाई ए वाई प्लस बी वाई, तो यहां पर ये रिजल्टेंट वेक्टर का वाई एक्सिस पर वो वाला कंपोनेंट है जो कि बराबर होता है ए वाई प्लस बी वाई के बराबर होते हैं, अब ये चूंकि दोनों कंपोनेंट हैं एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस में भी लाई कर रहे हैं, तो हमें पता है एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं आई कैप और वाई एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं जे कैप, तो अब इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर चूंकि डायरेक्शन बताते हैं डायरेक्शन के बारे में शो होते हैं, तो अब इसकी फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे होंगे, तो वो बराबर है आर एक्स आई, चूंकि आई क्या डिनोट करता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो आर एक्स आई इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई, तो ये वो वाला कंपोनेंट है जो कि एक्स एक्सिस में लाई करते हैं आर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर के, ये जो रिजल्टेंट हमारे पास है ये वाला रिजल्टेंट, इसके वो वाला कंपोनेंट जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा है, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए एक्स क्या है वेक्टर ए का वो वाला कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में है, और इसी तरह प्लस बी एक्स आई वेक्टर बी का वो वाला कंपोनेंट जो कि क्या है एक्स एक्सिस में है, इसी तरह आर वाई क्या है ये रिजल्टेंट वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट है जो कि कहां लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस में लाई कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस के लिए हम क्या यूज करते हैं जे यूज करते हैं, तो आर वाई किसके बराबर होगा आर वाई J is equal to A by J plus B by J. तो ये जो R Y है along Y axis ये किसके बराबर होगा? R Y बराबर होता है A Y plus B Y. A Y plus B Y. तो चूंकि A Y B क्या है? Perpendicular है Y axis में है. तो ये भी क्या करेगा? Direction show करेगा जिसके लिए हम use करते हैं J. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A by J और इसी तरह B Y क्या है? ये भी क्या करेगा? J को show करेगा. अब आर वाई जे इज इक्वल टू ए वाई जे प्लस बी वाई जे, ये जो आर वाई है ये वो कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का जो कि क्या है वाई एक्सिस में है, इस वाले कंपोनेंट की बात करें किसके बराबर है ए वाई जे के प्लस बी वाई जे, तो ये जे जो है डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, अब हमारे पास आर एक्स भी है आर वाई भी है, आर एक्स भी है और आर वाई भी है, ये आर एक्स और आर वाई दोनों कंपोनेंट हैं इस रिजल्टेंट वेक्टर के, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंपोनेंट है, अब एक आर जो होगा वो बराबर होता है आर एक्स प्लस आर वाई के, अब आर एक्स की वैल्यू है ये आर वाई की वैल्यू है, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे आर जो होगा आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, ये जो हमारे पास आर वाई होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे R is equal to RX plus RY, तो यहां पर RX की वैल्यू है ये RY की वैल्यू है, तो यहां पर पुट कर देंगे तो R बराबर आ गया AX plus BX I plus AY plus BY J, ये वो वाला कंपोनेंट है दो वेक्टर के जो कि क्या है अलोंग X एक्सिस है
और इसी तरह ये अलोंग वाई एक्सिस एन। अब आर बराबर आ गया ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे। तो ये एक्स एक्सिस के लिए है और ये वाई एक्सिस के लिए है। अब इसके बाद हम इसकी जो इसका फोर्थ स्टेप है इसका उसमें हम बताएंगे इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में। ये जो हमने वेक्टर लिए हैं, एक वेक्टर लिया है, दूसरा वेक्टर लिया है, इनको एडिशन ऑफ वेक्टर की है, इनको ऐड किया है, तो उसका जो रिजल्टेंट आया है उसके भी कंपोनेंट फाइंड किए हैं। अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास आर जो का रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जो कि आर एक्स का स्केयर है प्लस आर वाई का स्केयर है। ये इसकी बेस है, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। R is equal to Rx का स्केयर प्लस Ry का स्केयर। तो ये इसकी क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। इसकी मैग्नीट्यूड इस फार्मूले के जरिए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। R is equal to Rx का स्केयर प्लस Ry का स्केयर। ये किसके बराबर है, यहां पर Rx की जो वैल्यू है वो Ax प्लस Bx होल का स्केयर आ जाएगा प्लस Ay प्लस By होल का स्केयर आ जाएगा और इनका ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड के बारे में। तो ये सिर्फ दो वेक्टर्स के बारे में मैग्नीट्यूड के बताया हुआ है। जब दो से ज्यादा वेक्टर हो जाएंगे, तीन वेक्टर हो जाएंगे, चार वेक्टर हो जाएंगे, पांच वेक्टर हो जाएंगे या हजार वेक्टर हो जाएंगे, एन वेक्टर्स के लिए, एन वेक्टर्स के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। फॉर एन वेक्टर्स हमारे पास क्या होगा, ए एक्स आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, सी एक्स आ जाएगा और क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास इनके कंपोनेंट आ जाएंगे, यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स सो ऑन का स्केयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई सो ऑन का स्केयर। तो ये इनकी क्या है, मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहे हैं, जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं और वाई एक्सिस पर लाई करते हैं। इसी तरह किस साइड पर होगी उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा इसके बराबर होता है, टैन थीटा बराबर होता है आर वाई ओवर आर एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास टैन थीटा जो है, ये टैन थीटा ये बराबर है आर वाई ओवर आर एक्स, जो कि क्या करता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। जब दो वेक्टर आपके पास होंगे उस वक्त हमारे पास ये वाला फार्मूला आएगा आर वाई ओवर आर एक्स। लेकिन जब दो से ज्यादा वेक्टर होंगे, तीन वेक्टर होंगे, चार वेक्टर होंगे या हजार वेक्टर होंगे या एन वेक्टर होंगे, तो उस वक्त हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो आर वाई बराबर होता है ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन, जब दो से ज्यादा वेक्टर होंगे एन वेक्टर्स के लिए। इसी तरह आर एक्स किसके बराबर होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स इंटू सो ऑन। तो यहां से हम इसकी डायरेक्शन इस फार्मूले के जरिए डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि दो से ज्यादा जब वेक्टर होंगे उनके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो कि इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि जो वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो ये थी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के जरिए।